फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, आप लोगों को ऐसे ही प्लम्बिंग का नया नया आइडियाज और जानकारी, बहुत सारा जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, लीकेज रिपेयरिंग और टेफ्लॉन टेप फिटिंग। लीकेज रिपेयरिंग का पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये वीडियो देखना लास्ट तक, बहुत ही जरूरी है अगर आप प्लम्बर हो तो। ये यहाँ पे देख सकते हो एल्बो का साइड में कुछ क्रैक पड़ गया, पाइप डैमेज हो गया, तो उसको मैं कैसे फिटिंग कर रहा हूँ, ये बहुत ही काम में आता है। ये टिप्स, ऐसी टिप्स बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही काम आएगा फ्यूचर में। अगर ऐसी अचानक कुछ आपको पाइप लीकिंग का सिस्टम हो जाए, या कंसील के अंदर हो, ओपन हो, आपके पास मटेरियल नहीं है, जो कपलिन और एल्बो वेल्बो ये सब कुछ नहीं है, आप दुकान से लाते लाते पानी भर जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, जो बॉल वॉल बंद करके, यहाँ पे मैं पाइप काट रहा हूँ, देख सकते हो एक ऐसी, आप लोगों के पास अगर एक इंच का पाइप है, पाइप लीकेज हो गया, तो आपको एक इंच का पाइप में से एक टुकड़ा एक काट लेना पड़ेगा। उसके बाद में जहाँ से लीकेज हो वहाँ पे थोड़ा माँज देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं आरी ब्लेड से माँज रहा हूँ। जितना बड़ा फिटिंग करने का उतना बड़ा पूरा चारों साइड अच्छा से माँज देने का, रैप कर देने का, जैसे उसमें सॉल्यूशन चिपक जाए। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स मैं रैप कर रहा हूँ। रैप करने के बाद में चारों साइड कर देने का है, ऊपर नीचे जितना बड़ा वो चिपकेगा उतना बड़ा रफ कर देने का है। यहाँ पे देख सकते हो इसको भी अच्छा से रफ कर देने का, ऐसा रफ करने का है जो सॉल्यूशन उसमें चिपक के रह जाए। ये टिप्स आपके लिए बहुत काम में आने वाला है, ये लाइफ टाइम रह जाएगा। ऐसे ही आप कर दोगे तो इसको मतलब काट के करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइफ टाइम रह जाएगा। यहाँ देख सकते हो इसमें पहले सॉल्यूशन लगा देना है, फिर उसमें सॉल्यूशन लगा देना है। सॉल्यूशन लगाने के बाद फ्रेंड्स उसको चिपका देना है, इसमें हथौड़ी से चिपका देना है। यहाँ पे देख सकते हो चिपक गया, चिपक जाने के बाद में आजू बाजू साइड में थोड़ा मार देने का है। मारने के बाद में अगर आप लोगों के पास ऐसा सेंटरिंग का वायर कुछ पड़ा हो, वायर जैसा कुछ पड़ा हो ऊपर से लेके नीचे तक, उसको बराबर बांध देना है। फिर 2-3 घंटा बाद अगर आप पानी चालू करो तो कभी भी लीकेज होने का चांसेस नहीं रहेगा, 100% गारंटी है। अगर आपका कंसील के अंदर होता है तो कंसील के अंदर ऐसा ही लगा के एक सेंटरिंग का वायर अगर आपको मिलता हो, सेंटरिंग का वायर बांध देना, उसके बाद में सीमेंट से उसको जाम कर दो, लाइफ टाइम आपका नहीं प्रॉब्लम आएगा। कंसील के अंदर होता है तो ये करना बहुत ज़रूरी पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि कंसील के अंदर हम लोग टाइल तोड़ नहीं सकते। जो क्लाइंट है उसके घर में बाथरूम के अंदर वो ड्रिल हो जाता है, तो हम लोग टाइल तोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए कंसील के अंदर है। ये जो टिप्स है आपको कंसील के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो चलिए पानी चालू कर दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पानी चालू कर दिया हूँ मैं। 3 घंटे के बाद पानी चालू करने का, सॉल्यूशन सूखने का टाइम देने का। मैं सेंटरिंग का वायर अभी लगाया नहीं हूँ, सेंटरिंग वायर मेरे पास यहाँ पे आजू बाजू में कहीं था नहीं, मैं लगाया नहीं हूँ, अभी ला के मैं लगा देने वाला हूँ। फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए इसीलिए सेंटरिंग का वायर उसमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो एक कंसील के अंदर MABT लगा हुआ है, तो इसको टेफ्लॉन टेप कैसे लगाए, क्योंकि टेफ्लॉन टेप तो अंदर घुसेगा नहीं। आपके पास ऐसा पेचिया या कोई भी स्टिक जैसा, पतला स्टिक जैसा कुछ भी पड़ा हो तो उसमें आप टेफ्लॉन टेप लपेट लो। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास पेचिया था, तो मैंने पेचिया में टेफ्लॉन टेप लपेट रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो यार थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आ जाए तो लाइक करो और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाओ, जो मैं आप लोगों का कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और कुछ भी सवाल हो प्लम्बिंग के बारे में या कोई भी टिप्स जानकारी करना हो तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो टेफ्लॉन टेप को हमेशा सीधा लगाना है, यानी कि जो फीमेल FT होता है, FABT, FTA या FT जो भी आप बोलो, जो भी होता है वो जिस साइड में वो घूमता है उसी साइड में आपको टेफ्लॉन टेप लगाना है। यानी कि FT मेरे को उस साइड टाइट देने का है, तो इसीलिए मैं उसी साइड अपना पेचिए से जो टेफ्लॉन टेप लगा रहा हूँ उसी साइड में घुमा रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि उस साइड ही मेरे को FABT टाइट करना है। इस साइड अगर कर दूंगा FABT टाइट करते समय वो टेफ्लॉन टेप खुल जाएगा। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। टेफ्लॉन टेप लगाने का भी दोस्तों तरीका है, टेफ्लॉन टेप को हमेशा सीधा साइड में लपटे,
क्योंकि जिस साइड टाइट हो एफएबीटी को आप टाइट करते हो या कोई भी मेल में फीमेल आप टाइट करते हो तो उसी साइड आपको लगा के रखना पड़ेगा। ये लग गया, मैं उसी साइड ही एफएबीटी टाइट करूँगा, देख सकते हो। अगर मैं उल्टा टेप्लॉन टेप लगाता, मैं टाइट करते समय वो खुल जाता। यहाँ पे फिक्स हो गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले। आप लोगों को ऐसी इसी तरीके का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा।